खास करके ये पुस्तक उन्होंने साधु साध्वियों को लक्ष्य में रख करके लिखा है, लेकिन है सबके लिए उपयोगी। उसी पर थोड़ी चर्चा। भोजन का असर शरीर पर अवश्य पड़ता है, परंतु तभी जब भोजन का शरीर के साथ संबंध स्थापित होता है। चश्मा का असर आँख पर तभी पड़ता है जब चश्मा का शरीर के साथ संपर्क स्थापित होता है, लेकिन इत्र नाक को या नाक उसी क्षण प्रभावित कर देता है जब वह शरीर के सान्निध्य में ही आ जाता है। संबंध, संपर्क, सान्निध्य। संबंध में एकदम घनिष्ठता होती है, जैसे पानी और दूध मिला दो एक में, संबंध हो गया, अब अलग अलग उसको नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बताया गया भोजन का संबंध, कितना स्वादिष्ट भोजन हो, कितना पौष्टिक भोजन हो, उस भोजन का असर शरीर के साथ तभी पड़ेगा जब संबंध हो जाएगा। भोजन खा लिए, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता शरीर से। इस संबंध है भोजन और शरीर का संबंध। बाहर रखा है भोजन, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, शरीर पर उसका कोई असर नहीं होगा। कब असर होगा? जब संबंध स्थापित होगा। भोजन हम कर लिए, खा लिए, उसके पश्चात वो पचेगा, तभी शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ संबंध है भोजन और शरीर का, जिसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। चश्मा का शरीर के साथ संपर्क होता है, जब चाहो तब निकाल दो, जब चाहो तब लगा लो, संपर्क में ऐसा होता है। संबंध में स्थायी, उसे अलग नहीं किया जाएगा। संपर्क, चश्मा लगाए हैं, जब मन हो निकाल देंगे, जब मन हो तब लगा लेंगे। लेकिन कितना बढ़िया चश्मा हो, जब आँख पर लगाएंगे तभी उसका प्रभाव पड़ेगा। बिना आँख पर हम लगा ही ना लिए भी रहे हाथ में, तो क्या उसका फल होगा? लेकिन सान्निध्य, न संपर्क है न संबंध, कोने में जल रही है अगरबत्ती, हमारी नाक यहीं से प्रभावित हो जाएगी दूर से ही। इस सान्निध्य के इन्होंने बताया है। ये तो तीन बात हुई, उदाहरण है ये तीनों का। भोजन शरीर से संबंध होने पर प्रभावित करता है, चश्मा आँख से संपर्क होने पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इत्र दूर से ही सान्निध्य मात्र से ही शरीर को प्रभावित कर देता, नाक को प्रभावित करता है। तो शरीर प्रभावित होता है भोजन के साथ संबंध से, शरीर के साथ संपर्क से, और इत्र के साथ सान्निध्य से। प्रश्न हमारे अंतःकरण का है, हमारे मन का है। हम गुरुवाणी से, कबीरवाणी से, संतों की वाणी से प्रभावित कब होते हैं? गुरु से हम प्रभावित कब होते हैं? जितने सारे आलंबन हैं, ध्यान, सत्संग, पूजा, पाठ, कथा, इन सब से हमारा मन प्रभावित कब होता है? संबंध के बाद, संपर्क में आने के बाद, या सान्निध्य के बाद?
सानिध्य मात्र से प्रभावित होता है हमारा मन, या संपर्क और संबंध से प्रभावित होता है। याद रखना है अंतःकरण यदि जितने भी उपकारी आलंबन हैं, सदग्रंथ, सत्संग या पूजा पाठ या जो भी कल्याण में सहायक हैं आलंबन, उनके प्रति यदि हमारे मन में जबरदस्त अहोभाव है तो सानिध्य मात्र से प्रभावित हो सकता है, और यदि जितने भी उपकारी आलंबन हैं उनके प्रति मन में अहोभाव नहीं है, तो जरा भी उसके प्रति आकर्षण नहीं है, ये आलंबन कल्याण के लिए अत्यंत उपकारी हैं, इनके बिना कल्याण हो ही नहीं सकता, यही जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है वैसे ये कल्याण के लिए ये आवश्यक है, यदि भोजन नहीं मिला तो शरीर मेरा टिक नहीं सकता, जैसे प्राण नहीं रहा तो शरीर टिक नहीं सकता, ऐसे ही सत्संग, सेवा, स्वाध्याय या भक्ति, श्रद्धा या अन्य और यदि इनमें से मैं किसी को भी छोड़ा तो मेरा साधु जीवन टिक नहीं सकता है, साधना टिक नहीं सकती, कल्याण हो नहीं सकता। इस प्रकार से जब तक उसके प्रति अहोभाव नहीं होगा, ये अत्यंत उपकारी हैं, ऐसा भाव यदि नहीं है तो न तो हमारा अंतःकरण सानिध्य से प्रभावित होगा, जैसे पारस लोहा को सोना बना देता, सानिध्य हुआ तो लोहा बना दिया, लेकिन लोहे में मूर्छा लगा हुआ है तो पारस क्या करेगा, चुंबक लोहे को खींच लेता अपनी तरफ, दूर से खींच लेता है। यहाँ उदाहरण इन्होंने चुंबक का दिया है, चुंबक थोड़ा सानिध्य हुआ दूर में तो खींच लेता अपने, लेकिन लोहे में ही यदि चुंबक में ही लगा हुआ है मूर्छा, चुंबक में या लोहे में पर्दा पड़ा हो तो क्या करेगा वो, और न तो संपर्क के प्रभाव से प्रभावित तो होगा अंतःकरण, जैसे तेल और पानी है साथ साथ, संपर्क है, घुलना मिलना कुछ नहीं है, और न ही संबंध से प्रभावित तो होगा, जैसे हमारा पेट ही खराब है, आंत बिगड़ी हुई है और खा रहे हैं स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन, मेवा मिष्ठान, तो क्या करेगा, बिना पचे निकल जाएगा। सोचना है कि हमारी मानसिक दशा किस प्रकार की है, कदाचित दुख के साथ कहना पड़े तो कहा जा सकता है विराधना के स्थान के सानिध्य मात्र से अंतःकरण प्रभावित हो जाता है, किंतु आराधना के स्थान के साथ संबंध होने पर भी प्रभावित नहीं होता। विराधना जो उपासना साधना के विरोधी, दूर से ही सुन लिया हमने प्रपंच की बात, निंदा की बात, हमारा मन प्रभावित हो गया, दूर से ही सानिध्य में दूर है, दूर से ही किसी स्त्री, कोई युवक है तो उसे किसी स्त्री का शब्द सुनाई पड़ा, वो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, एकदम बेचैन हो गया। कोई युवती है, युवक
सब सुनाई पड़े, बेचैन हो गई और रात दिन रहते हैं गुरु के साथ, गुरु की वाणी से हमारा मन प्रभावित नहीं है, उसके प्रति क्या बेचैनी होती है कल्याण के प्रति? निंदा या प्रशंसा के शब्द सुने, प्रभावित हो गया मन, हलचल उत्पन्न हो गया, निंदा के शब्द सुने एकदम दुखी दुखी, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसी मेरी बुराई कर दी, प्रशंसा शब्द सुने वाह कितना मैं कितना योग्य हूँ, कितने लोग मुझे मानते हैं, अहंकार आ गया। लेकिन ज्ञान के, भक्ति के, वैराग के शब्द बराबर सुनते कितना प्रभावित हो रहा है हमारा मन, ये हमें सोचने की बात है। संयम के विरोधी बात जरा सुने मन उसी चिंतन करने लग गया, उसी के में डूबा हुआ है। संयम के सहायक शब्द, साधना उपासना के सहायक शब्द बार बार सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, कहते हैं याद ही नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं है मन में। तो दूर से ही प्रपंच वार्ता के शब्द कान में पड़े, वासना उत्तेजक शब्द कान में पड़े, अंतःकरण में उत्तेजना पैदा हो गई। जबकि निरंतर सत्संग में रहते हैं, सरगंध पढ़ते हैं, शरीर पर साधु का कपड़ा है, अंतकरण प्रभावित होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यदि यही स्थिति हमारी चालू रही तो हमें निश्चित समझ लेना है, लेना चाहिए कि हमारा भविष्य अत्यंत त्रासदायक है, भयानक भयंकर है। हाथ में संयम जीवन, शरीर पर साधु का कपड़ा, जीभ पर गुरु की वाणी, और इतना होते हुए भी ये तमाम से अंतकरण अप्रभावित का अप्रभावित, रूखा का रूखा। तो इससे क्या साधना पूरी होगी, क्या कल्याण, जिस काम के लिए हम आए हैं गुरु की शरण में, हम समाज की शरण में, वो काम हमारा पूरा होने वाला है, यह हमसे ही हमें पूछने लायक है, अपने से ही पूछने लायक। और यदि ऐसा है, जितने भी उपकारी ऐसे साधन हैं उनसे हमारा अंतकरण प्रभावित नहीं होता है, तो आज से ही हम अपने अंतकरण में परिवर्तन करना शुरू करें, मन में अंदर परिवर्तन करना शुरू करें। जितने भी कल्याणकारी आलंबन हैं उनकी हितकारिता, उनकी उपकारिता, उनकी आवश्यकता, उनकी जो अनिवार्यता है, सदैव हम आँख के सामने बनाए रखें। जितने भी उपकारी हैं उनके उपकार को हृदय में गहराई से प्रतिष्ठित कर दें, तो क्या होगा, आज हमारी वर्तमान की समाधि बन जाएगी, टिकी रहेगी, और परलोक में हमारी सद्गति भी बनी रहेगी। वर्तमान की समाधि और परलोक की सद्गति, ये जो उपकारी आलंबन हैं जो हैं, उनके प्रति अहोभाव में ही टिका हुआ है, इसलिए उनके प्रति दिल से ही श्रद्धा स्थिर करें। और यदि दिल में अंदर से श्रद्धा है, उपकारियों के प्रति उपकार भाव है, कृतज्ञ भाव है, अनिवार्यता समझ में आती है कि जैसे प्राण अनिवार्य है शरीर के लिए, ऐसे ही ये सब आलंबन अनिवार्य है, यदि ये भाव हृदय में टिका हुआ है, तो अंतःकरण को इन सबसे प्रभावित होने में कोई विलंब लगेगा नहीं। इसलिए आए सानिध्य, संपर्क और संबंध, तीनों के रहते हुए जितने भी हैं उनसे हम अपने अंतःकरण को प्रभावित करते जाएं।
हमारा साधु जीवन सफल हो जाएगा। यदि साधु जीवन में, साधना जीवन में हर समय प्रसन्नता का अनुभव करते रहना है और प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते जाना है, तो उसके लिए तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प है प्रेरक बल बनाए रखना, प्रेरक बल जो प्रेरणा देता रहे। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, सत्संग भजन, जितने भी सेवा या अन्य सदनिमित्त हैं, सदालंबन हैं, उन सब का समावेश प्रेरक बल में होता है। संयम की शुद्धि के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी शुद्धि के लिए, आराधना में, उपासना में, साधना में आगे बढ़ने के लिए, विराधना साधना विरोधी जितने भी कर्म हैं उनसे पीछे लौटते रहने के लिए, तब स्वाध्याय, सेवा, ध्यान, चिंतन, इन सब में सतत आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है स्वाध्याय से, सदालंबन से, सत्संग से, भजन से। तो इन सबको कहते हैं प्रेरक बल। और इतना ही नहीं, और जो भी साधक ये जो प्रेरक बल है, स्वाध्याय, चिंतन, भजन, सत्संग, इनकी जो अवगणना करता रहता ही है, इनका जो तिरस्कार करता रहता है, इनसे अपने को दूर दूर बनाए रखना चाहता है, तो समझ लें वो अपने साधु जीवन के लिए स्वयं खतरा उत्पन्न कर रहा है। जो जिनके मन में सत्संग के प्रति रुचि नहीं है, स्वाध्याय के प्रति रुचि नहीं है, व्याख्यान प्रवचन के प्रति रुचि नहीं है, सेवा के प्रति रुचि नहीं है, या अन्य सदालंबन हैं, उनके प्रति रुचि ही नहीं, जो अपने को इनसे दूर दूर ही रखता है, करता भी है तो देखा देखी, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, दिखावा के लिए, एक तो अवगणना है, तिरस्कार भाव, अश्रद्धा, अपने को से दूर दूर रखता है, करता भी उदासीन, उत्साहहीन हो करके, केवल दिखाने के लिए, कोई भय के कारण। तो ऐसा संयमी, ऐसा साधक अपनी साधना को संभाल करके रख पाएगा, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए सब समय प्रेरक बल, जहाँ से प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, स्वाध्याय से, सत्संग से, सेवा से, भजन से, संतों की संगति से। इनके प्रति प्रेम नहीं है, उत्साहीनता है, आखिर साधना टिकेगी कैसे, कल्याण होगा कैसे। हाँ, लेकिन अकेले प्रेरक बल से भी काम बन जाए ये नहीं कहा जा सकता, उससे ही हमारा हम मंजिल तक पहुंच जाएं ऐसा नहीं है। प्रेरक बल के बाद आवश्यकता है चालक बल की। जैसे ट्रेन के लिए, जैसे जो ट्रेन का इंजन भाप से चलता था, कोयला से, आजकल डीजल है या बिजली है, तो जैसे ट्रेन इंजन के लिए भाप चालक बल का काम करता है, या डीजल चालक बल का काम करना, कितना बढ़िया इंजन हो, डीजल है ही नहीं,
ये बिजली है नहीं तो क्या करेंगे इंजन। उसी प्रकार साधक के लिए चालक बल क्या है? मन का अदम्य उत्साह। किसी काम में लगे तो उत्साह पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ये चालक बल है। शास्त्रों से प्रेरणा मिलती है, सत्संग से प्रेरणा मिलती है, भजन भक्ति से प्रेरणा मिलती है, लेकिन उत्साह ही नहीं है। स्वाध्याय के लिए गुरु या संत के पास से प्रेरणा तो मिली, लेकिन प्रेरणा मिलने के बाद अंतर्करण में स्वाध्याय के लिए कोई उत्साह जगा ही नहीं, कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो स्वाध्याय आखिर शुरू कैसे होगा? किसी संत की साधना को देखे, वैराग भाव को देखे, उनकी तपस्या को देखे, और उनकी साधना वैराग तपस्या को देखकर अपने मन में वो साधना वैराग के लिए उत्साह ही प्रकट नहीं हुआ। सुने भी कि अमुक ऐसे हैं महावैराग्यवान, साधना परायण, हम स्वयं देखते हैं, उनकी प्रशंसा सुनते हैं, और साधु का कपड़ा पहन करके भी यदि ऐसे वैराग्यवान साधना परायण संत को देखकर हमारे मन में साधना और वैराग के लिए जरा भी उत्साह प्रकट नहीं हुआ तो परिणाम क्या होगा? इसलिए प्रेरक बल के बाद चालक बल, इसे बनाए ही रखना होगा। इसके बिना ना आराधना शुरू होगी, ना उपासना शुरू होगी, ना साधना बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला उत्साह के बिना। हाँ, इसलिए जैसे पहले चाहिए प्रेरक बल, उसके बाद चाहिए चालक बल, लेकिन इन दोनों को के बाद प्रेरक बल और चालक बल दोनों अपने पास बनाए हैं तो इसके बाद एक बल और की आवश्यकता है, वह क्या है? वाहक बल। जैसे वाहक वाहन करने वाला, ले जाने वाला, ढोने वाला, फैलाने वाला, फूल बगीचे में खिले हैं या कहीं पेड़ में खिले हैं, फूल को सुगंध को फैलाने वाला क्या है? हवा। ये वाहक बल है उसके लिए, फूल सुगंध के लिए। हवा ना हो तो सुगंध फैलेगी कैसे चारों तरफ? बगीचे में उगे हुए फूल की सुगंध को जैसे हवा चारों तरफ फैलाती रहती है, उसी प्रकार किसी साधु, साध्वी, भगत या भक्तिन कोई भी हो, गृहस्थ विरक्त, स्त्री पुरुष, साधक साध्वी, कहीं भी किसी के द्वारा यदि हम अच्छा काम होते देखते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं कोई भी अभी कोई अच्छा काम, लेकिन हमने देखा कि अमुक साधक, अमुक साध्वी, अमुक भगत या अमुक भक्तिन या कोई भी हो अच्छा काम कर रहा है, तो किसी के अच्छे काम को देखकर मन खूब अंतकरण से प्रसन्नता पूर्वक उसका अनुमोदन करते रहना, उसकी प्रशंसा करते रहना, अंतकरण से उसको अंतकरण किसी भी को भी अच्छा काम करते देखकर, साधना करते देखकर, वैराग करते देखकर, भजन करते देखकर, स्वाध्याय करते देखकर, सेवा करते देखकर, याद करते देखकर, कोई भी सत्कार्य कर रहा है वो, उसके सत्कार्य को देख करके मन में प्रसन्नता का भाव लाए, और मन में प्रसन्नता के भाव ला करके वाणी द्वारा मुक्त कंठ से प्रशंसा करें, यह है वाहक बल। हमारे पास व्यक्तिगत रूप से
हमारी साधना कितनी है? अत्यंत अल्प। इसलिए साधना केवल हमारी अभी वर्तमान में जो साधना है, तो इतनी छोटी थोड़ी साधना से हमारा ठिकाना पड़ जाए, हम मंजिल तक पहुंच जाएं, इसमें कोई दम नहीं है। तो क्या करना है? औरों की जो साधना है, औरों की जो उपासना है, उनको अपना बनाने के लिए श्रेष्ठ विकल्प यही है, अनुमोदन और प्रशंसा। मन से अनुमोदन, वाणी से प्रशंसा। इसलिए मन को क्या बनाना है? गुणानुरागी। वाणी को बनाना है गुणानुवादी। बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। मन को बनाना है गुणानुरागी, वाणी को बनाना है गुणानुवादी। गुणानुरागी, गुणों के प्रति प्रेम करने वाला मन, सदकार्यों के प्रति प्रेम करने वाला मन, कहीं अच्छाई दिखाई पड़े उसके लिए प्रेम करने वाला मन, यह है गुणानुरागी मन। हम नहीं कर रहे हैं अच्छा काम, हम नहीं कर पा रहे हैं साधना, हम नहीं कर पा रहे हैं सेवा, लेकिन कोई कर रहा है उसके लिए अपने मन में प्रेम उत्पन्न करें। देखो वाह, कि मन ही मन उसके लिए अनुराग, प्रेम उत्पन्न होना, कहीं भी कोई करता हो। और साथ साथ वाणी को गुणानुवादी, उसको किसी को भी अच्छा काम करते देख करके प्रशंसा। नहीं तो होता क्या है, अच्छा काम करते देख करके ईर्ष्या जगती है मन में, अमर्थ उत्पन्न हो जाता है कि देखो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये अच्छा काम कर रहे हैं तो समाज में इसकी प्रसन्नता होने लगेगी, लोग इसे अच्छा मानने लगेंगे, लोग मुझे बुरा, लोग मुझे उतना अच्छा नहीं मानेंगे, हो सकता है लोग मुझे मानना छोड़ दें, ये दुर्भावना पैदा हो जाती है। तो मन को बनाना है हमें गुणानुरागी, किसी की अच्छाई, किसी के गुण, किसी के सत्कार्य को देख करके उसके प्रति अनुराग, प्रेम, और साथ साथ वाणी को गुणानुवादी, किसी के गुण, किसी की अच्छाई की प्रशंसा करने वाली वाणी, जितना बन सके उसकी प्रशंसा। यह है वाहक बल। हम किसी के प्रति, किसी के गुण हो, कोई हो, किसी की साधना, किसी के वैराग, किसी की तपस्या, किसी की सहनशीलता, किसी के क्षमा भाव, किसी की सेवा, किसी के स्वाध्याय, इस सब को देखे और बराबर हम अपने मन उसके लिए प्रेम उत्पन्न करते जा रहे हैं, सदैव प्रेम हमारे है और उसकी वाणी प्रसन्नता हो रही है, तो धीरे धीरे हमारा जीवन वैसे बन करके ही रहेगा। मन से जिसके प्रति अनुराग है, वाणी से सदा जिसके प्रति प्रशंसा है, तो क्या ये नहीं लगता है कि हमारा जीवन भी उसी साथ में ढलने लग जाएगा? तो प्रेरक बल और चालक बल, वाहक बल। प्रेरक बल, प्रेरणा मिलेगी मिलेगी स्वाध्याय से, सत्संग से, सदालंबनों से, और चाह उसके साथ प्रति चाहिए उत्साह, फिर अनुराग, प्रशंसा। जो कोई साधक प्रेरक बल, चालक बल और वाहक बल, इन तीनों का स्वामी है, जिन्होंने इन तीनों को अपने जीवन में धारण किया है, उस साधक के चित्त की प्रसन्नता को खंडित करने की ताकत किसी में भी नहीं है। कोई उसको दुखी नहीं कर सकता, कोई उसको अप्रसन्न नहीं कर सकता। जिसके पास प्रेरक बल है, चालक बल है, वाहक बल है, वो सब समय प्रसन्नता का अनुभव करता रहेगा और प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक निरंतर वे अपने साधना के मार्ग में बढ़ता चला जाएगा। कोई इसे रोक नहीं सकता। उस समय उस साधक के साधना को, उस साधक साधना में कोई बाधा नहीं डाल सकता। इसलिए आए जब हम सत्य, श्रद्धा और समर्पण, इन तीनों की पूंजी लेकर के साधु जीवन, साधना जीवन में आ ही गए हैं, तो ये जो तीनों बल हैं, प्रेरक बल, चालक बल और वाहक बल, इन तीनों का स्वामी बन करके रहें।
हमारा संयम जीवन, हमारी साधना निश्चित ही सार्थक हो जाएगी और हमें मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। साधु जीवन में जितनी भी आराधनाएं हैं, जितनी भी साधनाएं हैं या और भी कुछ कह लें, उन सब को सफल बनाने का यश यदि किसी एक परिबल को जाता है, किसी एक कर्म को जाता है, किसी एक उपाय को जाता है, तो उस उपाय का नाम है छत्र। छत्र का जैसे का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में छाता, सिर के ऊपर जो ठंडी गर्मी से मोड़ने, गर्मी बरसात से बचने के लिए छाता ले करते हैं। तो छत्र यहाँ पर क्या है, उपकारी गुरुदेव या संत समाज का आश्रय, सानिध्य, शरण। जो गुरु हैं, संत हैं, अपने से अधिक जानकार हैं, साधना परायण हैं, उनके आश्रय में रहना। तो प्रश्न है, क्या गुरु के आश्रय में, गुरु के सान्निध्य निकट में रहने मात्र से हमारा आत्मकल्याण का काम एक रस पूरा होता रहेगा? क्या गुरु के सान्निध्य मात्र में रहने से कल्याण का काम बन जाएगा? गुरु के साथ रहने मात्र से क्या हमारी आत्मा की उन्नति निश्चित हो है? उत्तर देते हैं नहीं, इतने से काम नहीं बनेगा। गुरु की का सान्निध्य चाहिए, गुरु की शरण चाहिए, गुरु की निकटता चाहिए, ये तो है, लेकिन इतने मात्र से काम बनने वाला नहीं है। यहाँ निश्रक, यहाँ छत्र का अर्थ मात्र साथ में रहना नहीं है, किंतु छत्र का यहाँ अर्थ है कृतज्ञ भाव। जिस गुरु ने असीम उपकार करके हमें साधना जीवन का मार्ग बताया, साधु का वेश दिया, उस गुरु के प्रति यदि हमारे हृदय में अनंत अनंत कृतज्ञ भाव बना है, तो यही समझना, यही गुरु की शरण में रहना है, गुरु के सान्निध्य है, गुरु का आश्रय है। साथ में कोई सदैव कहाँ रहेगा? प्रारब्ध है, व्यवहार है। तो गुरु का तो कहा तो गया भाई कि गुरु की शरण, गुरु के का आश्रय साधक के लिए आवश्यक है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? एक गुरु के पचासों शिष्य है, तो अब सब सबके हम बिल्कुल गुरु के साथ हैं, हम ही रहेंगे, तो संभव तो है नहीं है। कभी निकट रहना होता है, कभी दूर रहना होता है, कभी कोई अत्यंत निकट रह करके सेवा करता है और कोई दूर रह करके सेवा करता है, जब जैसे आवश्यकता होती है। लेकिन चाहे अत्यंत निकट रहना हो, चाहे दूर रहना हो, चाहे गुरु के पास में हो, चाहे और बहुत दूर में हो, खास बात है गुरु के उपकार को याद करते रहना, कृतज्ञ भाव बनाए रखना मन को कि गुरु का कितना उपकार है। यदि गुरु न मिले होते तो हम कहाँ बह गए होते, कैसे हमारी दशा होती। गुरु के उपकार को सदैव याद करते रहना, कृतज्ञ भाव बनाए रखना, यही यहाँ पर छत्र का अर्थ है। बाकी उपदेश काल, एक पुस्तक का है जिसका नाम है उपदेश माला, उसके लेखक ने लिखा है, जिस साधक के हृदय में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, सम्मान नहीं है, गौरव नहीं है,
स्नेह नहीं है, जिसे गुरु का भय नहीं है, गुरु सन समाज की लज्जा नहीं है, अर्थात ठीक है हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो गुरु क्या करेंगे, हमें आसन बाहर कर देंगे, ठीक है ऐसा तो चलता रहता है, न संतों के प्रति लज्जा है न गुरु के प्रति लज्जा है, अरे हम नहीं करेंगे काम कोई कर लेगा। इस प्रकार का यदि भाव है तो ऐसा शिष्य गुरुकुल में वास करते हुए गुरु के निकट रहते हुए भी अपनी साधना को बना करके रख नहीं सकता है। याद रखें गुरु के साथ रहना सरल है लेकिन गुरु यहाँ पर गुरु संसमाज, चाहे गुरु हो चाहे संसमाज हो, गुरु हो चाहे समाज हो संसमाज हो, उसके साथ रहना सरल है लेकिन गुरु और समाज को अपने हृदय के साथ रखना ये कठिन है। साथ में है गुरु के या साथ में समाज में है, हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं समाज के साथ ही तो बैठे हैं, तो समाज के साथ हम बैठे हैं बहुत सरल है लेकिन इस समाज को अपने हृदय के साथ बैठा कर रखना कि समाज को जहां मैं छोड़ा बस मेरा पतन, समाज का कोई भय नहीं, समाज का लज्जा नहीं, ठीक है कौन क्या हमारा क्या कर लेगा, नहीं करेंगे हम ये काम, ऐसा तो बहुत लोग करते रहते हैं, लज्जा खत्म हुई भय खत्म हुआ गुरु और समाज के प्रति, उसी दिन साधना का शमशान यात्रा निकल गया। सदैव अपने हृदय को तलाशते रहने की आवश्यकता है। यदि अपने हृदय में अपने मन अंतःकरण में जब तब गुरु और संतों के प्रति दोष दिखता रहता है किसी न किसी कारण से, गुरु के प्रति हृदय में संत समाज के प्रति हृदय में दुर्भावना पैदा होती रहती है, गुरु या संत की सेवा करने का अवसर मिलने के बाद भी हम उसकी अवहेलना कर देते हैं, ठीक है बहुत लोग हैं हम नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, देख रहे हैं अमुक को अमुक सेवा की आवश्यकता है, गुरु है वरिष्ठ है बीमार है उनको सेवा की आवश्यकता है, भक्ति करने को समय जरूरत है, लेकिन हम देख करके अनदेखा कर दिए, हम नहीं करेंगे तो बहुत लोग हैं हम हैं क्या फर्क पड़ता है, अभी जाएंगे तो पता नहीं कौन कौन फिर और बता देंगे ये काम कर दो काम कर दोगे, ऐसा समझ करके सेवा का अवसर मिला भक्ति का अवसर तो मिला लेकिन हम उन्हें उसके अवहेलना कर दिया तिरस्कार कर दिया। बार बार मन ये कहता है कि गुरु से और समाज से अलग हो जाता तो अच्छा रहता, तमाम नियम तमाम अनुशासन का पालन, थोड़ी थोड़ी बात में गलती हो जाए तो डांट खानी पड़ जाती है, कितना मन को मार करके रहना पड़ता है, बहुत झंझट है गुरु या समाज के साथ रहने में, इसलिए मन में भी बार बार ये होता है अच्छा हो जाता समाज से छुटकर, गुरु ही कह देते बेटा तुम्हारा मन है ठीक है चले जा तो छुट्टी मिल जाती, समाज के मुखिया ही कह देते व्यवस्थापक ही कह देते भाई तुम ठीक ठाक नहीं कर रहे हो अच्छा चले जा तुम चले जा तो कितना बढ़िया होता। यदि मन में ये भाव पैदा हो रहा है तो निश्चित समझ रखना चाहिए ये सारी की वृत्तियाँ ये सारी प्रवृत्तियाँ ये बता रही है संत समाज और गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव का दिवाला निकल गया है और फिर रक्षा करने वाला कोई है नहीं दूसरा। यदि कृतज्ञ भाव में कमी आई तो इसका अर्थ है गुरु ने जो उपकार किया संत समाज का जो उपकार है उस उपकार के प्रति हमारे मन में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है,
कोई श्रद्धा का भाव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? संयम शुद्धि में अभाव, उसके प्रति अवहेलना, सेवक के प्रति अवहेलना, समाधि के प्रति अवहेलना और सद्गुणों के प्रकटीकरण में अवहेलना। कृतज्ञ भाव समाप्त हुआ, संसमाज और गुरु के प्रति, अब वैसे कहा तमाम भक्तों के प्रति भी, कितने कितने भक्त हैं जो अच्छी अच्छी प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा मिली उसे प्रेरणा पा करके हमने वो काम किया और हमारा काम बन गया और उसके प्रति हृदय में कहीं कृतज्ञता का भाव नहीं है। तो गुरु और संत के प्रति भी कृतज्ञता का भाव समाप्त, इसका मतलब साधना का दिवाला, तपस्या का दिवाला, वैराग का दिवाला निकलना, समाधि ध्यान से दूर दूर हटते चले जाना। जिस साधना जीवन में माथा पर सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखने वाले के प्रति कृतज्ञ भाव मानने वाले संयमी तैयार हैं, तो ऐसे संयम जीवन को पाने के बाद माथे पर हाथ फेरने वाले गुरु और संत के प्रति उपकार का भाव न जगे, तो ये समझना चाहिए कि साधना की पात्रता के क्षेत्र में पूरा का पूरा दिवाला निकल गया है। जैन दर्शन में वो कहानी आती है कि एक साधक थे, गज सुकुमाल नाम था उनका, बहुत दिन नहीं हुआ था साधु मार्ग में आए, इन कहानी में अतिशयोक्ति तो है। तो वो गज सुकुमाल युवा था बिल्कुल, 28-30 साल की उम्र रही हो जैसा भी हो, एक जगह खड़े होकर के ध्यान कर रहे थे। उसी रास्ते से एक व्यक्ति गुजरा, वो व्यक्ति उस गस्त कुमार का ससुर था, गस्त कुमार की शादी हो चुकी थी, शादी होने के बाद उन्होंने गृह त्याग किया था। उनको देखा कि अरे ये तो मेरा दामाद है, और जानता था वो कि मेरी बेटी को छोड़ करके साधु हो गया है, अब मेरी बेटी के जीवन कैसे गुजरेगा। बड़ा गुस्सा आया, और बड़ा गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, उसे देखा कि आसपास में एक सिगड़ी में जल रही थी आग, तो उस सिगड़ी को उठा करके उसके सिर पर रख दिया, चलो अब करो साधना। बड़ा गुस्सा आया। तो कहानी तो ये कहती है, कहानी में तो संयुक्ति है कि सिगड़ी में आग जलने के धीरे 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 माथा गर्म हुआ और माथा जलने के माथा एकदम खदबदाने लग गया जल करके, और गस मार ध्यान में बैठा हुआ है मस्त। ये कभी संभव है? लेकिन इतने होने पर भी वो जो साधक था गस्त कुमार, जिन्होंने उसके सिर पर ऐसे जलती सिगड़ी रखी, उसके लिए जरा भी द्वेष भाव पैदा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ मुझे साधना करने का उन्होंने अवसर दे दिया, कितना उपकार है। यहाँ पर उन्होंने उसको उदाहरण दिया है, जिन्होंने माथे पर सिर पर सिगड़ी रखा उसके लिए भी उपकार मानने के लिए तैयार, और हम जिन्होंने हमारे माथे पर अपना हाथ फेरा उस गुरु के प्रति उपकार मानने के लिए हमारा मन तैयार नहीं है। इसका मतलब हमारी पात्रता का दिवाला निकल चुका है, हम साधु या साधक होने लायक है ही नहीं है। इसमें विजय श्री लिखते हैं कि ऐसी पात्रता में पूरा पूरा दिवाला निकल गया, तो इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है, मर करके कहाँ जाएंगे हम? क्या फिर अपने को क्या ऐसा उत्तम सिद्धांत, ऐसा संयम का अवसर क्या फिर कहीं मिलेगा? कहाँ मिलेगा ऐसा ऐसी समझ और कल्याण के लिए ऐसी सामग्री? इसलिए आए
थोड़ा बुद्धिमान बने, समझदार बने। छत्र का जो गूढ़ार्थ है कृतज्ञ भाव, इसको आत्मसात करके रहें। जैसे बगीचा में अनेक रंग के फूल खिलते हैं, लेकिन बगीचा में सिंचाई की व्यवस्था ना हो तो क्या होगा, पेड़ सूख जाएंगे सब। तो उसके लिए सिंचाई के लिए बनाया रखा जाता है नाली। तो जैसे बगीचे में नाली का स्थान जो होता है, नाली के बने रहने से बगीचों को पानी मिलता रहता है और बगीचा के पेड़ हरे भरे रहते हैं, उसमें फूल आते रहते हैं, ऐसे ही जीवन में सद्गुणों के बगीचे को हरा भरा रखने के लिए, साधना के बगीचा के हरा भरा रखने के लिए कृतज्ञ भाव को सदैव अपने हृदय में जीवित बना करके रखें। हमारा काम, साधना का काम पूरा हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए हम संत और गुरुजनों के शरण में आए हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति में फिर कोई शंका नहीं रह जाएगी।